हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSE ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यू पी पैट के एडमिट कार्ड के प्रोसेस के बारे में। यू पी पैट का एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया गया है। दोस्तों, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यू पी पैट के एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, कैसे आपको डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उसको मिलता है जो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखेंगे। अगर आपको देखनी है मेरी वीडियो, देखना अच्छा लगता है, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों, चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड PET का, UPPET का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आना, इसका लिंक डाल दो वीडियो के नीचे। आने बाद एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इसके नीचे लिख रहा है UPSC पैट 2023 एडमिट कार्ड, क्लिक कर देगा आप। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और एक आपको जेंडर है में फीमेल है, उस तरह से आप देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा डालिए, उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, सर्वर थोड़ा बिजी चल रहा है, दोस्तों देख सकते हैं आप, सर्वर थोड़ा बिजी है, तो आप रात में ट्राई करोगे तो आपका सॉफ्ट स्टैंड जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, कुछ इस तरह का यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देख लेना। और बाकी इसमें एडमिट कार्ड में आपका आधार कार्ड वगैरह ये जो नाम वाम सारा कुछ आ चुका है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। दोस्तों, एडमिट कार्ड जो है आपको एडमिट कार्ड के साथ में एक आईडी प्रूफ ले जाइए, जिसमें कि आधार कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पहचान पत्र या लाइसेंस, जो भी आपके पास आईडी है वो आप ले जाइए। ठीक है दोस्तों, कैसे डाउनलोड करना है, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, इसका साइड थोड़ा बिजी है, आज यहाँ पे चालू हुआ है, तो देख सकते हैं जहाँ काफ़ी लोड इस जो है साइड पर आ रही है, जो कि मतलब कि इस वाले फॉर्म से आ रही है। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड कर लेना और इस तरह का कुछ इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप मुझे SMS कर सकते हैं जो भी कुछ पूछना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है यहाँ पर लिस्ट में आप नाम चेक कर सकते हैं, बड़ी आसान है चेक करना। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर लेना और अपना आईडी प्रूफ ले जाना, जो भी आपको ले जाना है। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पहचान पत्र या 10th की मार्कशीट भी आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी यूपी पैट का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, वो काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे इस एडमिट कार्ड आने का, तो उनका जो है इंतजार खत्म हो चुका है, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे थे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना भाई समझ के जितना हो सके सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वंदे मातरम।